नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आंखें मन का दर्पण है और आंखों के बिना जीवन अधूरा है। आंखों के बिना आपने अपने जीवन की कल्पना की है कभी? जरा सोच कर देखिए, अगर ये आंखें ना हो तो क्या हो? ये पूरा तामझाम जो हमने बना रखा है, पूरा दिन वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, मूवीज देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, जितना कुछ भी करते हैं, आंखों के बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी आंखों के स्वास्थ्य के लिए आखिर क्या कर रहे हैं? जरा थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखेंगे तो आपको अनुभव होगा, हम अपनी आंखों के लिए कुछ नहीं कर रहे लेकिन आंखें हमारे लिए 24 घंटा काम कर रही हैं। तो आपको कुछ सरल से उपाय अपनाने हैं, सरल से नियम अपनाने हैं, जिससे इस गैजेट युग में भी आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको भारत योग का 2020 का रूल अपनाना है। ये भारत योग का 2020 का रूल बहुत ही अमेजिंग है, इससे हम संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज के एपिसोड में सिर्फ आंखों की बात कर रहे हैं तो आंखों के लिए 2020 के रूल को समझते हैं, फिर किसी दिन किसी और एपिसोड में ओवरऑल हेल्थ के लिए 2020 के रूल को समझेंगे। आप स्क्रीन यूजेज को कायदे में तो हमें थोड़ा कम करना चाहिए, यानी थोड़ा कॉन्शियस स्क्रीन यूजेज कर लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप स्क्रीन पर काम करना बंद कर दीजिए, लेकिन जो माइंडलेस स्क्रोलिंग हम करते हैं ना, वो हमें थोड़ी सी बंद कर देनी चाहिए और अपने स्क्रीन यूजेज का टाइम फिक्स करना चाहिए। दूसरा काम जो बहुत ही सरल सा है वो ये कि अगर आप स्क्रीन पर काम भी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर आंखों को लगा करके बैठे हैं जितनी भी देर काम कर रहे हैं, दैट इज ओके। लेकिन आपको हर 20 मिनट के बाद कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेना है। बिल्कुल सही सुना आपने, हर 20 मिनट के बाद, 2020 का रूल है ना, तो 20 मिनट्स के बाद अपनी आंखों को स्क्रीन से हटाइए, दूर कहीं देखिए। अगर आपके आसपास कोई खिड़की है तो खिड़की से बाहर देखिए, कहीं ग्रीनरी है आपके आसपास तो ग्रीनरी को देखिए, यानी जितना दूर देख सकते हैं देखना। और क्या करना है, इस तरह से अपनी आईज को ब्लिंक करते जाएं कॉन्टिन्यूसली 20 to 30 seconds, just blink your eyes, blinking करें, जब लगे 20 second, 30 second हो गए तो अपनी आंखों की पामिंग करना और फिर आंखों को खोलना और अपने काम दोबारा करने लगना। ऐसा आपको हर 20 मिनट के बाद करना है। क्लियर? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है। दूसरा काम जो बहुत सरल है वो ये है कि दिन में 3 बार आप अपने मुंह में पानी भरिए। आप सिंक में जाइए, वॉश बेसिन पर जाएं और अपने मुंह में पानी भरें ऐसे, मुंह में पानी भरे भरे, रनिंग वाटर, टैप वाटर जो आ रहा है उसको हाथ में लेना और आंखों में ऐसे छपके मारना। आप अपना हाथ मत मार लीजिएगा आप अपनी आंखों पर, सिर्फ पानी के छपके मारने, वो भी बहुत हार्श नहीं, आंखें बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि हार्श वाटर स्प्लैश नहीं करना है। बहुत सॉफ्टली हमको इस तरह से छपके मारना, मुंह में पानी भरा हुआ है और फिर छपके रोक देना और मुंह का जो पानी है उसको स्पिट कर देना। बहुत सरल काम, ये भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं। और तीसरा और अंतिम काम ये कि रात्रि में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उसके 1 घंटा पहले स्क्रीन लेस हो जाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो ब्लिंकिंग का प्रैक्टिस हमने आपको बताया है, ये करके ही सोने जाएं। ऐसे में आपका जो आईज का नेचुरल लुब्रिकेशन है वो होगा, आंखों की ड्राइनेस, आंखों की ड्राउजीनेस, आंखों में ईचिंग हो जाना, आई साइट बढ़ जाना जैसी प्रॉब्लम्स में भी ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। आप इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप भी उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए और उनके जीवन में भी कुछ बेहतर हो पाए। आप अगर ऐसा करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके प्रियजनों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके मन में कोई समस्या है, कोई समाधान चाहते हैं उसका, तो हमें जरूर अपनी समस्या लिख करके भेजिए, हम आने वाले एपिसोड्स में आपका समाधान लेकर के आएंगे। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।